खाने के तेल को लेकर सरकार की सभी स्टेक होल्डर्स के साथ बैठक हो रही है। इस बैठक पर अपडेट देने के लिए हमारे सहयोगी समीर दीक्षित है। समीर, बैठक में क्या किस तरह क्या उम्मीदें कर रहे हैं? क्या एमआरपी कम करने को लेकर कुछ ऐलान हो सकता है क्या? जी बिल्कुल, एडिबल ऑयल यानी कि खाने के तेल की कीमतों को लेकर के, खासकर रिटेल मार्केट में इसकी कीमतों को लेकर के ये अहम बैठक हो रही है, जिसकी अध्यक्षता खुद डिपार्टमेंट ऑफ फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के सचिव सेक्रेटरी कर रहे हैं। इस बैठक का मकसद यही है, जो तमाम इसके स्टेक होल्डर्स हैं, चाहे वो एडिबल ऑयल के प्रोड्यूसर्स हों, एक्सपोर्टर्स हों, इम्पोर्टर्स हों, तो उनसे बैठक का मकसद यही है कि रिटेल मार्केट में खाने के तेल की कीमतों को और कम किया जा सकता है। और यही अपील भी कह सकते हैं या आदेश भी कह सकते हैं इन तमाम स्टेक होल्डर्स से, उनसे कहा जाएगा कि आप कच्चे ये खाने के तेल की कीमतों की जो एमआरपी है उसको और कम करें। और उसके पीछे सरकार का तर्क ये है कि अगर आप ग्लोबल स्थिति देखें या फिर डोमेस्टिक प्रोडक्शन देखें, तो उसमें स्थिति काफ़ी कंफर्टेबल नज़र आ रही है। डोमेस्टिक प्रोडक्शन भी काफ़ी बेहतर नज़र आ रहा है। साथ ही साथ जो कंट्रीज एडिबल ऑयल का जहाँ से इंपोर्ट होता है भारत के लिए, वहाँ पर स्टॉक बहुत पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। तो इन तमाम स्थितियों को देख करके सरकार को लगता है कि भले ही पिछले एक दो महीनों में खाने के तेल की कीमतों में 8 से 10% की कमी आई हो, लेकिन अभी और स्कोप है और संभावना है कि अगले 10-15% की और गिरावट आ सकती है। आज इस बैठक में आप किसी बड़े फैसले की फौरी तौर पर आने की उम्मीद ना करें, लेकिन इस बैठक का मकसद यही है कि आने वाले दिनों में या महीने भर के भीतर कम से कम जो ऑयल कंपनियां हैं एडिबल ऑयल से के क्षेत्र से जुड़ी हुई, वो एमआरपी को और कम करें, खासकर आगामी त्योहारी सीजन को देखते हुए ग्राहकों को इसका बड़ा फायदा पहुंचाएं। शुक्रिया समीर, ये पूरी डिटेल्स देने के लिए। और बैठक के बाद भी आपसे बात करेंगे कि क्या कुछ बैठक में फैसला हुआ और क्या किस तरह के दिशा निर्देश तेल कंपनियों को दिए गए हैं, खाने के तेल उत्पादक हो या एक्सपोर्टर हो, उनको किस तरह के निर्देश सरकार की तरफ से दिए जाते हैं। हमारे साथ प्रणब बाजोरिया साहब भी हैं, सिंगापुर से कॉम ग्लोबल के डायरेक्टर है। सर, स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। सर, खाने के तेल की तो इंटरनेशनल मार्केट में तेजी से गिर रहे हैं, पाम तेल देखिए आज 10% टूट चुका है, यहां से और गिरावट आपको दिख रही है क्या? क्योंकि ऑलरेडी 42% तक दाम कम हो चुके हैं महीने भर में। आपने एकदम सही कहा, पाम, चाहे पाम हो, सोया हो, सन हो, तीनों तेलों में 35-40% की गिरावट हुई है इस महीने में। इट्स पीक सोया, सन ऑयल जो है 2350 में ऑफर हो रहा था, आज उसका 1650 का भाव गया है। पाम 1800 से 1050 तक आ गया है, तो बहुत गिरावट हुई है इन भावों में। लेकिन हमें ये भी देखना चाहिए कि ये भाव जो है, ये जब पीक हुए थे वो गवर्नमेंट पॉलिसी के कारण पीक हुए थे, इंडियन गवर्नमेंट नहीं, इंडोनेशियन गवर्नमेंट, जब उन्होंने बैन किया था तो प्राइसेस सब अननेचुरली हाई चले गए थे। अभी हम लोग सेकेंड हाफ ऑफ द ईयर में आ गए हैं, प्रोडक्शन इम्प्रूव होने की एक्सपेक्टेशन है, इंडोनेशिया में स्टॉक्स बहुत बढ़ गए हैं एक्सपोर्ट बैन के कारण, तो उसके कारण हम लोग ने ऐसी स्टीप फॉल भी देखी है अलोंगसाइड ऑल द मैक्रोस दैट वाज स्पोकन ऑफ अर्लियर। आगे जाकर अलोंगसाइड दीज मैक्रोस वेज ऑयल्स पर भी इम्पैक्ट पड़ता है, तो जिस तेजी से पाम तेल गिरा है, अभी बायर्स भी थोड़े डरे हुए हैं लेने से, तो थोड़ी और गिरने की संभावना हम रूल आउट नहीं कर सकते हैं। लेकिन ये जो लेवल्स है, इन लेवल्स पे, इन प्राइस लेवल्स पे डिमांड अच्छी होनी चाहिए सब डेस्टिनेशंस पे, इंडिया में भी और बाकी जगहों पर भी, तो वी हैव टू वेट एंड सी इसका इम्पैक्ट क्या होगा। लेकिन जो लेवल्स अभी आ गए हैं, इन लेवल्स पे ऑलरेडी डिमांड है, सो थोड़ा और मार्केट गिर सकता है फॉलोइंग मैक्रोस, लेकिन और बहुत फर्दर शार्प 20-30% ड्रॉप की एक्सपेक्टेशन नहीं रख सकते हैं। मैं इतनी गिरावट के बाद अब बहुत ज्यादा गिरावट की उम्मीद नहीं है, हल्की फुल्की गिरावट यहाँ से और आ सकती है।